बुलेटिन में आज सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जिसे हर माता पिता को जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग की सिर्फ स्कूलों में या घर के बाहर ही नहीं होती, बल्कि इंटरनेट पर भी बड़ी संख्या में बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इसे साइबर बुलिंग कहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ होने वाली गुंडागर्दी। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 9 साल के केडन की कहानी बताएंगे, जो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है और अपनी जान देना चाहता है। So I've just picked my son up from school, witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. This is what bullying does. इस बच्चे की आंख में आंसू और इसके शब्द शायद आपके दिमाग में घूमते रहे। एक 9 साल का बच्चा अपनी जान सिर्फ इसलिए दे देना चाहता है क्योंकि उसके साथ वाले उसके शरीर का मजाक बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला केडन एक शारीरिक बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से इसका कद छोटा रह गया। अंग्रेजी में इसे ड्वार्फिज्म यानी बौनापन कहते हैं। बौनेपन की वजह से केडन के साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे लगभग हर दिन तंग करते हैं। इस बच्चे को बार बार सताया जाता है और उसकी हाइट का मजाक उड़ाया जाता है और इसी से तंग आकर केडन अब जीना नहीं चाहता है। So is there any advice or support or anything that other parents or you know families have done to help raise disability awareness and education within the school so that this doesn't happen? I've got some good advice but I need more because this is the effect of bullying. This is what it's doing and I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. भारत में भी काफी संख्या में बच्चे बुलिंग यानी साथियों की गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। बुलिंग का हिंदी में अर्थ होता है किसी को डराना, चिढ़ाना और धौंस दिखाना। देश के 15 अलग अलग क्षेत्रों में 5 वर्षों तक की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में 4th क्लास से लेकर 12th की क्लास तक में पढ़ने वाले करीब 40% बच्चे बुलिंग यानी मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं। दुख की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इन बच्चों के साथ ये बुलिंग कोई और नहीं बल्कि इनके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे ही करते हैं। भारत में 4th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है, यानी इनमें से करीब 8 करोड़ बच्चे कभी ना कभी इस मानसिक और शारीरिक हिंसा को झेलते हैं। मनोवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर माता पिता ने सावधानी नहीं बरती तो केडन की तरह हजारों बच्चे अपनी जिंदगी से ही नफरत करने लगेंगे। सबसे बड़ा इंडिकेटर और पॉइंटर इसमें कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या। लास्ट 1 महीने में यदि आपने अपने बच्चे के अंदर कोई भी बिहेवियर चेंज देखा है, जैसे कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है या वो अपने कमरे में अकेले बैठ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया है और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो छुपा के इस्तेमाल करता है, ये सब वार्निंग साइंस है जिसमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे को अब आपके निगरानी की जरूरत है। माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बच्चों के बर्ताव पर नजर रखें, यानी अगर उसका व्यवहार बदल रहा है, वो चिड़चिड़ा या परेशान लग रहा है तो उससे बात जरूर करें। जब कोई बच्चा आपको ये बताए कि वो हिंसा या बुलिंग का शिकार हुआ है तो उस पर भरोसा करें और जल्द से जल्द उसकी परेशानी खत्म करने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुलिंग सिर्फ स्कूलों में या घर के बाहर ही नहीं होती, बल्कि इंटरनेट पर भी बड़ी संख्या में बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को इससे बचाने का भी एक उपाय है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है वो उपाय जिससे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला केडन। स्कूल में साथी केडन के कद का इतना मजाक बनाते हैं कि वो जान देना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के केडन की तरह भारत के हजारों बच्चे भी बुलिंग के राक्षस का सामना कर रहे हैं और रोज करते हैं, कभी स्कूल में तो कई साइबर दुनिया में। comparitech.com की एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत के बच्चे सबसे ज्यादा साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। भारत के 37% बच्चों ने माना है कि उन्हें कभी ना कभी इंटरनेट पर तंग किया गया है। भारत के बाद ब्राजील, अमेरिका और बेल्जियम का नंबर आता है, जबकि सबसे कम साइबर बुलिंग रशिया में होती है। हाल ही में चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई की ओर से किए गए
एक सर्वे के मुताबिक 3 में से 1 बच्चा कभी न कभी इंटरनेट पर नकारात्मक अनुभव झेलता है। ये सर्वे दिल्ली और आसपास के शहरों में 13 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर किया गया था। इनमें से 60% लड़कों और 40% लड़कियों के पास खुद का मोबाइल फोन था और इनमें से 50% से ज्यादा बच्चों ने बताया कि वो इंटरनेट का प्रयोग 2 से ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस पर करते हैं। इस सर्वे में शामिल 80% लड़के और 59% लड़कियां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। देखिए, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहे हैं जो कि 13 साल से भी कम की उम्र के हैं। जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखते हैं कि 13 साल से कम के बच्चों के कोई अकाउंट्स वहाँ खोले नहीं जाएंगे। ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट्स हो रहे हैं, रेवेंज पॉर्न बढ़ रहा है और स्टॉकिंग, ट्रोलिंग और हैप्पी स्लैपिंग, इस तरीके के नए नए हमें टर्म्स दिख रहे हैं, सेक्सटिंग, जो कि सारी प्रॉब्लम्स इसी से शुरुआत होती है जब हमें प्रिवेंशन और रेमेडीज नहीं पता और हमें ये नहीं पता कि उससे बचें कैसे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन बच्चों को इससे बचाने का भी एक उपाय है, वो ये कि आप अपने बच्चों को ज्यादा समय दें ताकि रिश्तों की कमी मोबाइल फोन के जरिए पूरी ना करनी पड़े। ये फर्क आपको एकल परिवार में रहने वाली परी और संयुक्त परिवार में रहने वाले करणजीत की कहानी से समझ आ जाएगा। मम्मी बोलती है और बहुत ज़्यादा और समय, अगर हमारे पास 24 आवर्स है तो ऑलमोस्ट सिर्फ हम लोग अपने आपको 5 to 6 आवर्स ही दे पाते होंगे, बाकी सारा टाइम तो इंटरनेट। दोनों ही वर्किंग में है तो जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि हमारे सामने तो हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं पर पीछे वो स्थिति क्या है। मुझे बार बार रीचेक करना पड़ता है, कभी उतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम उतना चेक कर पाए, तो ये विषय मेरे लिए भी बड़ी चिंता का विषय। मैंने जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चीजें नहीं चलाई, जैसे कि अगर हल्का सा टिकटॉक थोड़ा बहुत वो देखते हो। कैसे देखते हो, कहाँ देखते हो? मतलब फोन के अंदर उसका ऐप खोलती हूँ, बस मैं वो देखती हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फोन किसका लेते हैं आप? मम्मी का लेते हैं। पर मॉनिटर होता है आपका फोन? यस। जब फैमिली ज्वाइंट आया तो बच्चा डरेगा, दादी दादा से डरेगा, माँ बाप से डरेगा। यदि अकेले माँ बाप होंगे तो वो तो कोई जॉब वाले भी होते हैं, नहीं भी हो तो कोई 100 घर के काम होते चले जाते हैं, तो बच्चा फिर इंटरनेट पर खेलता रहेगा, नहीं पढ़ाई करेगा। हम बच्चे पर पूरा ध्यान रखते हैं, ये कितनी देर मोबाइल पर है और इसको डांटते भी हैं और इसको पढ़ाई के लिए कहते हैं कि भाई बच्चा पढ़ाई अच्छी है करो। बच्चों की साइबर सुरक्षा और उनकी इंटरनेट की लत पर स्टडी करने वाली संस्था क्राई के मुताबिक माँ बाप को अब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर समय चौकन्ना रहना होगा। कंट्रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा कि हमने देखा कि 60% बच्चे जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, बच्चे अकेले हैं घर में, अपने कमरे में हैं, उनका खुद का डिवाइस है। जिस बच्चे के पास एक्सेस टू सोशल मीडिया है, खुद का मोबाइल है, घर में अकेले हैं, पेरेंट्स बाहर है, कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा पाया गया। जबकि जो बच्चों को रेगुलेट और इंटरनेट यूजेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन दे गेट सब्जेक्टेड टू यू नो अगेन दे गेट सब्जेक्टेड टू साइबर क्राइम एंड दे गेट एक्सपोज टू सच इशू। रिश्तों का कोई विज्ञान नहीं होता, ये 100% शुद्ध प्यार और देखभाल के धागों से बंधे होते हैं और मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इंटरनेट की लत और मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल इन कच्चे धागों को तोड़ सकता है। इस वक्त ऐसा कोई भी स्कूल मेरी नज़र में नहीं है, कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चों को ये बताया जा रहा है। वी नीड टू टेक दिस कॉल कि हम कैसे प्रोएक्टिवली बच्चों को ये समझा सकें कि आपको कब और कैसे इंटरनेट को इस्तेमाल करना है ताकि आप इंटरनेट को एक सेफ और एक हेल्दी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जैसे मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव इस्तेमाल, इंटरनेट का एक्सेसिव इस्तेमाल, गेमिंग डिसऑर्डर, पॉर्नोग्राफी का इस्तेमाल, गैम्बलिंग डिसऑर्डर्स, तो वो क्लिनिक की नीड इसीलिए महसूस की गई थी कि इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स हेल्प ढूंढ रहे हैं, स्कूल टीचर्स को कंसर्न है, तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस में ओपीडीज में इजाफा हो रहा है। केडन, करणजीत और परी की कहानी भले ही अलग अलग परिवारों की कहानी हो लेकिन जो बात इन सबको आपस में जोड़ती है वो ये कि मोबाइल फोन की बैटरी भले ही खत्म हो जाए लेकिन दूसरों के सम्मान और रिश्तों की मधुरता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media.